नमस्कार, मैं हूं प्रियन और आप देख रहे हैं टिकटॉक। देशभक्तों का इंतजार हुआ अब खत्म, क्योंकि विद्युत जामवाल की सबसे सफल फिल्म कमांडो की फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म कमांडो 3 आज रिलीज हो चुकी है। लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म के एक सीन को लेकर सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है, तो चलिए आपको बताते हैं उस सीन के बारे में। दरअसल एक सीन को प्रमोशन के लिए जारी किया गया था, जिसमें विद्युत जामवाल जबरदस्त एक्शन रोल में दिख रहे हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत एक अखाड़े में रियाज कर रहे पहलवानों से होती है। इसी दौरान एक पहलवान अखाड़े के सामने केंद्रीय विद्यालय की छात्रा को छेड़ देता है, उस बच्ची की स्कर्ट उतार देता है। तभी विद्युत जामवाल की एंट्री होती है और वो गदे से उस पहलवान पर अटैक करते हैं। इसके बाद विद्युत एक एक करके अखाड़े में मौजूद सभी पहलवानों को गदे से, कभी लात से, कभी घूंसों से धुलाई कर देते हैं। लेकिन रिलायंस एंटरटेनमेंट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर लोगों ने एक सुर में सीन की बुराई की है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि छोटी बच्ची के यौन शोषण के सीन को इस तरह नहीं दिखाना चाहिए। कुछ लोगों ने सीन को सेंसर बोर्ड की ओर से पास किए जाने पर भी सवाल उठा दिया। चलिए, ये तो रहा लोगों का रिएक्शन, अब बात करते हैं क्रिटिक्स रिव्यू की। तो क्रिटिक्स के अनुसार फिल्म पर्दे पर आतंकवाद जैसे विषय को काफी बनाया जा चुका है। इसके बावजूद फिल्मकारों की आस्था इस विषय पर ही बनी हुई है। आशिक बनाया आपने फिल्म निर्देशक आदित्य दत्त भी आतंकवाद को कैश करने से नहीं झुके। ये सच है कि उन्होंने विषय के मुताबिक विद्युत जामवाल को एक्शन जैसे कठिन रोल में कास्ट कर लिया, देशभक्ति का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रखा और साथ ही हिंदू मुस्लिम बगावत भी छेड़ दी। मगर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, सिवाय रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन के कोई भी नयापन नहीं दिखा। क्रिटिक्स का कहना यह भी है कि निर्देशक आदित्य दत्त ने पूरा जोर स्टंट्स और एक्शन पर लगाया है। कमांडो की फ्रेंचाइजी होने के नाते ये स्वाभाविक भी, मगर वे कहानी और स्क्रीन प्ले पर थोड़ी मेहनत और करते तो कलर कुछ और होता फिल्म का। एक्शन की कोरियोग्राफी सांसें रोक देती है, नायक की एंट्री कमाल की है। एक्शन के मामले में एक्शन डायरेक्टर एंडी लॉन्ग स्टंट रवि वर्मा ने काबिलियत तारीफ काम किया है। तो ये तो हो गई बात क्रिटिक्स के अनुसार। तो अब देखते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाती है या नहीं। तो अगर मैंने धमाल मचाया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें दबा के, और सब्सक्राइब करें अगर नहीं करा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।